अभी हम लोग यहाँ पे शाम में निकले हैं नेरल में वॉक के लिए। तो मैंने तो पूरा एक्सप्लेन की ही नहीं थी कि हम लोग आए हुए हैं नेरल। तो अभी हम लोग यहाँ पे इवनिंग वॉक के लिए निकले हैं, और इवनिंग वॉक के साथ साथ मैं आप लोगों को दिखाऊंगी यहाँ पर जो कि मम्मी पापा ने बंगले की जगह लिए है जो कि बनाने वाले हैं। तो वो जगह भी आप लोगों को प्लॉट भी दिखाऊंगी जहाँ पे नया घर बनने वाला है। हाँ ये देखो, ये है हॉरर, वो कौन सी मूवी का हॉन्टेड हाउस है, दिख रहा भी नहीं है देखो, यानी हॉन्टेड ही है, दिखाई नहीं देने आ दिया जो। ये देखो ये है हॉन्टेड बंगला, हॉन्टेड हाउस। तो ये देखो, ये ऐसे ऐसे लोग डरा देते हैं। तो अभी आप लोग को प्लॉट की भी जगह दिखाती हूँ। आज हम लोग यहीं पे नेरल में ही टाइम पूरा स्पेंड करेंगे, फिर कल देखते हैं कहाँ जाना है कहाँ नहीं। तो आज का जो भी छोटा मोटा आज का वीडियो बना है तो वो बना के अपलोड कर दूँगी। तो जिसने भी मेरे वीडियो को लाइक नहीं, सॉरी सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, सब्सक्राइबर की ज़रूरत है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, और चलिए आगे देखते हैं। वो है हाँ भिंडी, यहाँ से मम्मी लोग भिंडी तोड़ के भिंडी बना के खाते, बोलते बहुत टेस्टी बनती है। हाँ मतलब यहाँ से लोग ना सब ऐसे यहाँ यहाँ से सब वेजिटेबल्स ले जाके बनाते ये। हाँ सब यहाँ से शुरू हो जाते हैं ना हम लोग का। अभी एक बंगला दिखा दिया, अभी तुमको दूसरा भी दिखाना है, सब दिखाती हूँ। आज नेरल की ही सैर करवाती हूँ आपको, तो नेरल मेरा ससुराल है। हाँ अच्छा, वो गलत गलत जंगल दिखा दी। अच्छा वो भी खेत था, लेकिन हाँ ये भिंडी का। हाँ दिखाओ ना, एलो ना दिखाओ ना मेरे को, दिख रही है ना, लेकिन हाथ लम जूम करके दिखाओ ना। देखो ना आप लोगों को भिंडी दिख रही है। हाँ देखो ये सब बिल्डिंग, सॉरी भिंडी का है। हाँ तो ये सब गावरान भिंडी है जिसकी खेती की हुई है। हाँ ना नजदीक से दिखाती हूँ, दिख रही है भिंडी आप लोगों को। देखो तो ये है नेरल में है, ये नेरल के गांव में ये पूरा भिंडी का झाड़ है, झाड़ नहीं सॉरी भिंडी का, भिंडी की खेती की भी गई हुई है यहाँ पे। और यहाँ से ना मम्मी लोग ले जाते हैं फ्रेश भिंडी और बनाते हैं खाते हैं। अच्छा हाँ ये वही है जहाँ पे बंगले की जगह है ना, ये उसके पीछे का व्यू है यहाँ पर हम लोग का, जहाँ से लेक व्यू आएगा बंगले के पीछे से। तो देखो ये पूरा जब बारिश आएगी ना तब मतलब ये इसका मज़ा आएगा, क्योंकि ये बारिश के टाइम पे पूरा भरती रहेगा, तो ये पूरा ऐसा लेक व्यू आएगा। और जो ऑरेंज वाला ड्रम दिख रहा है ना वहाँ पर आता है बंगले का जगह। तो चलो दिखाती हूँ आपको प्लॉट, यहाँ से शुरू होती है उसकी एंट्री, मम्मी पापा के बंगले की प्लॉट की एंट्री। मम्मी डैडी के बाजू वाला बंगला है, ये उनका एंट्रेंस है, लेकिन बाहर से कलर करना भूल गए। नाम लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, मेन मुद्दे पर देखो ये यहाँ से बेस्ट लगेगा। तो जैसे मैंने बताया ना आपको सिर्फ बारिश में लगेगा, ये थोड़ा ही पानी है।
थोड़ा ही पानी है तो ये पूरी जगह है। ये तो ये यहाँ से शुरू होता है पूरा जगह और ये बैक साइड का व्यू आता है। और मतलब ये देखो इतना इतना हम लोगों का जो पार्टीशन इन लोगों ने मारे है ना, इतना यहाँ से शुरू होता है। और ये टेंट बना है, टेंट में जाके वो बना सकते हैं, क्या बोलते हैं, पकोड़े गरम कर सकते हैं। मस्त है, मतलब एकदम। जब बन जाएगा तब आप लोगों को बताऊंगी। तो आज के लिए बस इतना ही, वीडियो को एंड करती हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो बोलो ना, सब्सक्राइब करो। तो वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना। इसी के साथ अल्लाह हाफिज़। सोसाइटी के बाहर वाले रोड तो यहीं से अपना रोड पे निकलेगा। ये रोड ये हम लोग का मतलब गांव है, नेरल गांव। ये रोड कितने पे है? तो आज तो मैंने बनाई नहीं मेरा देखते हुए वीडियो। ये देखो गाय और भैंसों के साथ में फोटो। सनसेट का पर आ रहा। हाँ अभी देखो सनसेट, वही बोल रही सनसेट का। मैं फोटो लेने जा रही मेरा सनसेट का साथ। यहाँ से सनसेट भी दिखेगा। देखो सनसेट हो रहा है, मतलब बहुत अमेजिंग प्लेस है सीरियसली। पहले तो आप लोगों को जहाँ पे मम्मी पापा रहते मैंने तो वो घर दिखा दिया था। जब ये बन जाएगा तब ये भी दिखा दूंगी। हमारी सेल्फी के साथ।